जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का अपने अपने चैनल ओम चो में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका आभार है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़ जाइए। देखिए दोस्तों, हम आपको हमेशा सही और सटीक जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। आप हमें फेसबुक पर, ट्विटर पर, दोनों जगह डॉक्टर ओम चो आसानी से वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हैं और नई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में बात करने वाला है कि बुरा समय आने पर आप घबराएं नहीं, इन चंद बातों को याद रखेंगे तो आपका बुरा समय बहुत जल्द निकल जाएगा और आप आगे बढ़ जाएंगे। पहली बात कहना चाहता हूँ, जब भी बुरा समय आता है तो हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, हम दिमाग को खाली रखते हैं, क्योंकि बुरा समय को अगर ओवरऑल में आप देखेंगे तो दिमाग का खाली होना और खाली दिमाग शैतान का घर होता है। पहली बात, पहले पॉजिटिव रहना है और दिमाग को जितना हो सके व्यस्त और बिजी रखें। इन दो चीज़ों पर यदि आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको नया उपाय मिलेगा और नया तरीका मिलेगा इन चीज़ों से बाहर आने के लिए। दूसरी बात है, कई बार आर्थिक रूप से बुरा समय आता है जो सबसे घातक होता है। आर्थिक रूप से सबसे बड़ी बात होती है कि आर्थिक रूप से बुरा समय आना, क्योंकि ये आज का दौर में ये सबसे बड़ी परेशानी है। जब भी आर्थिक रूप से अगर आपको परेशानी है तो देखिए दोस्तों, आप उन उधार जो आपने दिया है उसे निकालने की कोशिश करें, जहाँ आपने याद करें आप कहाँ पे आपके पैसे रुके हुए हैं, उन चीज़ों को भी। कई बार क्या होता है कि हमें हमारे पास में उपाय होता है जिसका उपचार होता है, लेकिन हम उस पर सोच ही नहीं पाते हैं और हम दूसरी जगह ही परेशान हुआ करते हैं। जिन आपके रिश्तेदार नातेदार जिनसे आप नहीं कभी बात की, चीत किया, कुछ भी नहीं किया हो, व्यवहार नहीं रखा, उसके बाद भी आप कोशिश करें वो आपकी मदद करेंगे, ये भी बहुत बार होता है और हम ये नहीं करते हैं। तो आर्थिक रूप से अगर आपको बुरा समय है और आप उससे जूझ रहे हैं तो आप जितना हो सके उतना ओम नमः शिवाय का जाप करें। जितना जाप करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि तो ईश्वर ही है जो आर्थिक रूप से आपको बहुत अच्छे रास्ते दिखाएगा और आपको बाहर निकाल आएगा। चौथी बात ये भी है कि कई बार लोग अपने इन हालातों से घबरा कर कोई गलत कदम की ओर आगे बढ़ते हैं, तो पहले मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ, अपने बच्चे, परिवार, इन सब की ओर देखें। ये पल है, आज ये देखे हैं, आगे हम निकल जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। मैं वादा करता हूँ कि आपके जो आज ख़राब हालात हैं वो कल नहीं रहेंगे, ये सब बीत जाएगा, इस बात को आप समझें। बस ईश्वर का जप करते रहे कंटिन्यू, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्योंकि मैं आपसे वादा करता हूँ दोस्तों, आप रोज़ दो वक्त मंदिर जाएं, शिव जी को रोज़ जल चढ़ाएं, आप इन हालातों से बाहर ज़रूर आएंगे, ज़रूर आएंगे। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, तो आप इन चीज़ों को नेगेटिव कहीं भी मत लीजिए, दिमाग को पॉजिटिव रखें, मन को शांत रखें, दिमाग को होश हवास में रखें। क्योंकि अगर आपने इस ख़राब हालातों में ज़्यादा उत्तेजित हुए या कुछ भी गलत कदम उठाया तो दोस्तों समय और बदतर से बदतर होता है, ये उसकी खासियत है। जब बुरा समय आता है तो परछाई भी साथ छोड़ देती है, ये बात आपने सुनी होगी। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप हमेशा कभी भी इन हालातों से घबराएंगे नहीं और डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।